हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ ब्लैक मास्क बलगर और हमारा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एक अहम बात बताने वाला हूँ। आप लोगों को सबको पता होगा कि अलेक्जेंडर हम लोगों से डर के भाग गया था, हमारा हिंदुस्तान से डर के भाग गया था, यहीं से लौट गया था। और उसका बाद ये मुगल और ये मुस्लिम शासक आके हम कैसे जीत गए, ये बात कभी कभी मुझे हैरान कर देता है। क्योंकि ये लोग तो इतना बड़ा योद्धा नहीं थे अलेक्जेंडर जैसा, फिर भी हम लोग कैसे जीत गए। बाद में मुझे पता चला कि ये लोग एक्चुअली नहीं जीतते हमसे, ये लोग दोगाबाजी करके जीते थे। आप लोग को याद होगा पृथ्वीराज चौहान और संजुक्ता और जयचंद घोरी, जयचंद मोहम्मद घोरी, ये सब का कहानी। मैं एक कहानी आप लोग से आज बताने वाला हूँ। पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली का सम्राट थे, वो जयचंद की बेटी से प्यार करते थे और जयचंद नहीं चाहता था पृथ्वीराज चौहान से अपना बेटे को शादी कराने के लिए। इसीलिए उन्होंने जब स्वयंवर किया तो पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, और पृथ्वीराज चौहान से संजुक्ता से प्यार करते थे, इसीलिए वो एक द्वारपाल का वेश होके जाके वहाँ पर खड़ा हो गया, जहाँ पर स्वयंवर सभा हो रहा था वहाँ पर खड़ा हुए थे। संजुक्ता को ये बात पता था, उन्होंने उस द्वारपाल को ही अपना वरमाला पहना दिया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने संजुक्ता को घोड़े पे लेके भाग आए, दिल्ली भाग आए। तो उसकी वजह से जयचंद गुस्से में था। उसके बाद मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अटैक किया और वो हार गया और बंदी बनाया गया, और पृथ्वीराज वो माफी मांगा पृथ्वीराज चौहान से, तो मुझे छोड़ दीजिए। पृथ्वीराज चौहान तो दयालु थे, उसने उसको छोड़ दिया। ऐसे कर करके वो पूरा 13 बार छोड़ दिए, 13 बार हार गया, 13 बार उसको छोड़ दिया। 13 बार के बाद उसने एक प्लान किया, मोहम्मद घोरी वो धोखेबाज था, उसने एक प्लान किया। उसने जयचंद जाके मिला, उससे बात किया, और युद्ध होने के टाइम पे जयचंद जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते थे, मिलकर युद्ध करते थे, क्योंकि उनका एक राजा थे, उनका कौरव राजा थे, पृथ्वीराज चौहान जो सम्राट थे, तो उसको पीछे से वार करना शुरू कर दिए। वो मतलब मुगल जो मुस्लिम शासक योद्धाओं से युद्ध करने की बजाय मतलब वो अपना ही सैन्य को मारने लगे, पृथ्वीराज चौहान के सैन्य को मारने लगे। तो इसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान में हार गया। हार जाने के बाद उनका मौत हो गया, और वही दिन से और जयचंद को बाद में मोहम्मद घोरी ने मार डाला। यहीं से शुरू हुआ मतलब मुस्लिम शासक हिंदुस्तान में। तो हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और शेयर है कमेंट जरूर करना, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करने मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगले एपिसोड में हम लोग बाबर कैसे राणा संग्राम सिंह से जीते थे इसके बारे में बताने वाला है। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको भी दबा देना, क्योंकि हम लोग जब ये एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करेंगे आप लोग के पास ये जो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो विदाई बंधु, विदाई बंधु फ्रेंड्स, गुड बाय फ्रेंड्स।